हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं DSSSB, जिसमें TGT PGT के जो आप लोगों ने आवेदन किए थे 9232 पोस्ट के लिए, तो उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो बोर्ड ने जारी कर दी है। तो कैसे आप अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं और किस डेट को किस पोस्ट कोड का जो एग्ज़ाम होना है, वो हम सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। दोस्तों, तो बन रही है इस वीडियो के साथ, उस वीडियो को आप अंत तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाई स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते अपनी वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com, और वेबसाइट पर जाने के लिए हम टाइप करेंगे gayatrijobs.com और इस पोस्ट को हम ओपन करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे कि डायरेक्टली आप जाके अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं इसके अंदर जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं वो कौन कौन से पोस्ट कोड के लिए हुए हैं। इसके अंदर जो पोस्ट कोड थे काफ़ी सारे थे, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। उसके लिए जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, DSSB प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2018, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो सारे पोस्ट कोड जिसके लिए आपने आवेदन किए थे, कितनी वैकेंसी थी, पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। इस पोस्ट कोड में जो इस वैकेंसी में 87/17 से लेके और नीचे तक आप देखेंगे तो 151 जो पोस्ट कोड है, 151/17 तक ये पोस्ट कोड यहाँ पर दिए हुए हैं। तो उसमें जितनी वैकेंसी थी कोर्स की वो सब यहाँ पर दी हुई हैं। SC ST PWD के लिए कितनी वैकेंसी हैं सब इस नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं। हम बात करें कि जो उन्होंने नोटिफिकेशन आया है एडमिट कार्ड के लिए और उनकी जो एग्ज़ाम है उसके लिए, तो वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो सीरियल नंबर है, पोस्ट कोड, नेम ऑफ पोस्ट, डेट और शिफ्ट, और शिफ्ट टाइमिंग। तो यहाँ से आप देखें, जैसे पोस्ट कोड 109/17 है, जिसमें PGT इंग्लिश फीमेल के लिए ये पोस्ट कोड है और मेल के लिए, उसमें जो डेट है वो 2/7/2018 को इनका एग्ज़ाम होना है, शिफ्ट 1 में होना है, जिसमें जो टाइमिंग रहेगी सुबह 9 से लेके दोपहर 12 बजे तक का है। और इसमें 109/17 PGT इंग्लिश फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो सेकंड शिफ्ट है वो 2 से लेके 5 बजे तक की है। तो वो आपका जो एडमिट कार्ड होगा जो आप डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन सी शिफ्ट में रहेगा। शिफ्ट में दो ही हैं, सुबह 9 से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, ये 2 शिफ्ट हैं दोस्तों। इसमें जो अलग अलग पोस्ट कोड यहाँ पर दिए हुए हैं, 100/17 जो पोस्ट कोड है PGT बायोलॉजी मेल के लिए, तो उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 3/7/2018 में होगा और शिफ्ट 1 में होगा और यहाँ पर दी हुई हैं। साथ में जो 120 पोस्ट कोड हैं 17/17, तो PGT मैथ के लिए, ये फीमेल मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हैं, तो उनका भी 3/7/2018 में होगा और सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। और ये जो PGT जियोग्राफी फीमेल है कैंडिडेट्स हैं, उनका जो उसका पोस्ट कोड जो है वो 119/17 है, तो उनका जो एग्ज़ाम होगा वो सेकंड शिफ्ट में होगा, 2 से लेकर 5 बजे तक। तो इस तरह करके आप अपना जो डिटेल है वो देख सकते हैं कि कब और किस डेट को आपका एग्ज़ाम होना है। यहाँ पर इन्होंने नोट्स भी दिए हैं, नोट्स को आप रीड कर लें दोस्तों अच्छी तरह से, इसमें पूरी डिटेल आपको दी हुई है। और दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमने यहाँ पर नीचे आप चलेंगे तो लिंक दिया हुआ है उसके लिए, ऑफिशियल लिंक टू डाउनलोड DSSSB एडमिट कार्ड 2018 पर आपको क्लिक करेंगे तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट प्रिंट ई एडमिट कार्ड, तो आपको क्लिक करना है। तो आपको क्लिक करके, अभी इनकी स्टार्ट नहीं हुई है, 15 दिन पहले आपको उसका जो एडमिट कार्ड है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको उनकी जो रोल नंबर अपना डाल के, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा तो हम आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम डेट हमने आपको बताई है कि किस किस डेट को आपका एग्ज़ाम होना है, तो आप उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने शुरू कर दें। और दोस्तों, उसके सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस के लिए हम थोड़ा नीचे चलते हैं, हमने पूरी डिटेल दी हुई है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, और जो उसमें एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 3 घंटे की है, और
जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 मार्क्स के रहेंगे, ये भी अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके 200 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। सिलेबस की हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आप हमारी जो दूसरी पोस्ट है उस पर आप पहुँच जाएंगे, तो वहाँ से आप अपना जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और दोस्तों सिलेबस के लिए हमने यहाँ पर दिया हुआ जो टीयर वन में आपका जो सिलेबस रहेगा उसमें DSSB जनरल अवेयरनेस के जो सिलेबस है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, और साथ में जो इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की एबिलिटी के जो सिलेबस है वो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। सारे टॉपिक यहाँ पर हमने दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो है अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी के, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे टॉपिक आपको दिए हुए हैं अलग अलग, और इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के लिए जो सिलेबस है वो यहाँ से हमने आपको दिए हुए हैं। तो आप इन सबको नोट करके अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे द्वारा बताइए दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।